शशांक कल्याणकर प्रस्तुत एक संगीत संध्या। इस प्रोग्राम में मैं जरूर एक याद दिलाना चाहूंगा, ये दुनिया न देख पाने वाले एक संगीतकार जाने माने रविंद्र जैन साहब। उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि जब कभी मानो भगवान ने आपको आंखें दे दी, दृष्टि दे दी, तो आप सबसे पहले किसे देखना पसंद करोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं, अगर मुझे आंखें आई, अगर दृष्टि आई, तो सबसे पहले देखना पसंद करूंगा उस आवाज़ को जो भगवान की आवाज़ कहलाए जाते हैं। ही इज़ नन अदर देन डॉक्टर के जे येसुदास जी। मैं देखना चाहता हूं कि वो आवाज़ जो भगवान की आवाज़ कहलाती है, वो भगवान साक्षात दिखता कैसा है। एक महान इंसान के लिए दूसरे महान इंसान ने की हुई ये तारीफ मानो हम सभी के दिल में घर कर जाती हैं। 7 बार नेशनल अवार्ड पाने वाले इस सिंगर की याद आज भी हम सभी के दिलों में कायम है। मगर आप सभी को बता दूं कि हमारे मुंबई का एक ऐसा फनकार जो कि डॉक्टर के जे येसुदास जी, एसपी बालसुब्रमण्यम जी, हरिहरन जी, इन जैसे कई सारे सिंगर्स के रिकॉर्डेड गीतों को लाइव स्टेज के जरिए लोगों के सामने प्रेजेंट करता है, और साउथ के इन सभी हीरोज की याद हर किसी के दिलों में पूरे जगत में जागृत कराता है। आपने मिंदल मुरली ये फिल्म देखी होगी, इसी फिल्म के हिंदी रिमेक में भी इन्होंने कुछ गाने गाए हैं और वो खुद साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। सो आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द रिनाउन सिंगर ओवर हियर। ही इज नन अदर देन मिस्टर समीर विजय कुमार। देखो कभी तो क्या
डरते हो क्यों इकरार से माना हो तुम बेहद हसी Thank you.